वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इन दिस वीडियो मैं टॉक अबाउट फाइव थिंग्स दैट यू शुड डू आफ्टर लैंडिंग इन कनाडा, वेदर यू आर इन क्वारंटाइन और नॉट। सो उसमें से जो तीन चीज़ें वो आप क्वारंटाइन के टाइम पे कर सकते हो, और दूसरी जो दो चीज़ें वो क्वारंटाइन के बाद बाहर आने के बाद करनी पड़ेगी, बट वो जल्दी से जल्दी कर देना तो आपको तकलीफ नहीं होगी। सो पहले वो दो चीज़ों की बात करेंगे जो क्वारंटाइन के बाद करनी है। सबसे पहले तो पहला काम है जो सिम कार्ड लेना है। सो प्लीज़ मैं यही प्रीफर करता हूँ कि सिम कार्ड जल्दी से जल्दी ले लो, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को। मैंने भी फेस किया था, मेरे पास सिम कार्ड नहीं था, मेरे पास फ़ोन में डेटा नहीं था, मैं बाहर मतलब बस मिस कर दिया था, मेरे को बहुत चलना पड़ा था। और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी एक जन को ऐसा हुआ था, उसको तो मेरे से ज़्यादा चलना पड़ा था। सो आई वुड प्रीफर कि सिम कार्ड सबसे पहले ले लो। अगर आपको फ़ोन लेना है सिम के साथ, आपकी चॉइस है, जो भी है प्लान्स होते हैं डाउन पेमेंट पे, या फिर कोई सिम कार्ड नेटवर्क वाले दे देते हैं, फ़ोन्स नहीं देते, जैसे मतलब मैंने तो सिर्फ सिम कार्ड ही लिया है। सो पहला काम हो गया सिम कार्ड का, फिर दूसरा हो गया प्रेस्टो कार्ड। तो प्रेस्टो कार्ड मतलब यहाँ पे जो ब्रैम्पटन में अब जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो, जैसे ब्रैम्पटन ट्रांजिट हो गया, टोरंटो ट्रांजिट हो गया, टीटीसी हो गया, फिर गो ट्रांजिट हो गया, तो उसमें अगर आपके पास प्रेस्टो कार्ड होगा तो वो सभी ट्रांजिट में ग्रेटर टोरंटो एरिया में वो चल जाएगा। तो प्रेस्टो कार्ड मतलब आप जो ब्रैम्पटन ट्रांजिट का जो एक टर्मिनल होता है वहाँ पे जाके आप ऑफिस में इश्यू करवा सकते हो प्रेस्टो कार्ड। उसका चार्ज होता है $6 और उसके ऊपर आपको जो डॉलर लोड करवाने हो वो आप करवा सकते हो। सो बेसिकली प्रेस्टो कार्ड में फ़ायदा ये होता है कि जैसे प्रेस्टो कार्ड इश्यू नहीं करवाते हो, अगर प्रेस्टो कार्ड बिना यूज़ करते हो बस, तो उसका एक टिकट का $4 लेते हैं वो लोग। तो वो टिकट 2 आवर्स चलती है, आप मतलब बस कितनी भी चेंज करो विदिन 2 आवर्स वो चलेगी। बट प्रेस्टो कार्ड का ये फ़ायदा है कि प्रेस्टो कार्ड यूज़ करोगे तो आप उसमें आपके कट होंगे फॉर 2 आवर्स $3.10। सो ऑल एंड ऑल 90 सेंट्स हमारे बचते हैं, और यहाँ पे ट्राई करो जितना भी भले सेंट्स में होते तो सेंट्स में बचाना ट्राई करो। सो यही है प्रेस्टो कार्ड का फ़ायदा कि आप प्रेस्टो कार्ड जल्दी से जल्दी निकलवा लो तो आपका जो एक्स्ट्रा जो 90 सेंट्स है वो वेस्ट नहीं होगा और इजी होगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द 3 थिंग्स दैट यू गाइस कैन डू व्हाइल यू आर इन क्वारंटीन। सो सबसे पहली चीज़ आती है अकोमोडेशन। तो जो भी लोग मतलब जिसका कोई रिलेटिव्स नहीं होता, फ्रेंड्स नहीं होता, उन लोग को अकोमोडेशन खुद से अरेंज करना होता है। सो लाइक वाइल 40 डेज जो आप 14 दिन क्वारंटीन में हो, तब आप रिसर्च कर सकते हो, फेसबुक हो गया, Kijiji हो गया, मतलब फेसबुक पे भी एक दो ग्रुप है जो मुझे पता है। एक है हमारा गुजराती कम्युनिटी का, गुजराती इन कैनेडा, और एक है इंडियंस इन कैनेडा। तो वहाँ पे आप कमेंट्स में डालो कि मैं ये एरिया में ये डे पे आ रहा हूँ, ये डेट से मुझे अकोमोडेशन चाहिए, रेंट पे मैं देख रहा हूँ। इवन क्वारंटीन के लिए भी ये लोग अकोमोडेशन ग्रुप्स में प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने अपना क्वारंटीन का 14 डेज और जब भी मैं यहाँ पे रह रहा हूँ वो मैंने फेसबुक ग्रुप के थ्रू ही फाइंड किया था। सो फेसबुक ग्रुप बहुत मतलब काम की चीज़ें होती है। 2 ग्रुप मैंने बोले, एक था, एक है इंडियंस इन कैनेडा और एक है गुजराती इन कैनेडा। तो ये मतलब दोनों में आप कमेंट्स कर सकते हो, फिर आप फोटोज़ मंगवा सकते हो या फिर विजिट कर सकते हो एड्रेस मांग के। तो इस तरह आप लाइक वाइल क्वारंटीन यू कैन मैनेज योर अकोमोडेशन। अगर आपको Kijiji से करना है, Kijiji से कहीं से भी करना है, कोई भी मतलब कॉन्टैक्ट थ्रू, तो आप कर सकते हो। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट 2 थिंग्स विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि देखो सबसे पहले आता है अपना GIC। तो जैसे मतलब कोई भी बैंक में हो गया आपका, स्कॉशिया बैंक, ICICI बैंक, तो यहाँ पे अभी लाइक ड्यू टू COVID-19 यहाँ पे अभी सिस्टम ये चल रहा है कि हमको अपॉइंटमेंट्स बुक करनी पड़ती है सिन नंबर के लिए भी, और स्कॉशिया बैंक में GIC बैंक ओपन करने के लिए भी, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए भी। सो अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो अभी मिनिमम वेटिंग टाइम है 2 वीक्स। मैंने भी 2 बार, एक बार क्रेडिट कार्ड के लिए, एक बार बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए 15 डेज मुझे वेट करना पड़ा था। सो आई वुड प्रीफर, और जितने भी मेरे फ्रेंड्स आए हैं या फिर आने वाले हैं, मैं उनको सबको यही प्रीफर करता हूँ कि वाइल क्वारंटीन जब आप दूसरे वीक में एंटर करते हो, मतलब पहले 7 डेज कंप्लीट करने के बाद जब आप दूसरे वीक में एंटर करते हो क्वारंटीन के, तो तब आपको एक मतलब GIC की डॉक्यूमेंट में एक अपना एक इन्फॉर्मेशन वाला फॉर्म होता है और दूसरा का वेलकम लेटर होता है, तो उसमें ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। तो आप कॉन्टैक्ट करो और बोलो मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, तो 1 वीक के अंदर आपको मिलनी नहीं है, और मिलेगी तो दूसरे वीक में मिलेगी। तो आप अपने हिसाब से उनको बोल सकते हो कि ये डेट को, ये दिन को मुझे चाहिए और ये ब्रांच में चाहिए, तो वो लोग चेक करेंगे, अगर होगी तो दे देंगे, नहीं होगी तो फिर दूसरे ब्रांच में चेक करना। तो मिनिमम वेटिंग टाइम अभी चल रहा है 15 डेज। तो मैं प्रीफर यही करूँगा और मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि अब जब क्वारंटीन में हो तो अब स्कॉशिया बैंक की अपॉइंटमेंट बुक करवा दो, ताकि आपके जो 7 दिन है वो
क्वारंटीन के बाद निकलने के बाहर बच जाए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप लोग इंडिया से पैसे ले मतलब डॉलर्स लेके आए हो तो वेल एंड गुड, अगर जो लोग नहीं लाए हैं या फिर थोड़े बहुत लाए तो उनको अगर GIC जो अकाउंट है अपना स्टूडेंट का वो जल्दी जल्दी ओपन करवाना है तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप क्वारंटीन के टाइम पे अपन बुक कर लो। हियर कम्स द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ सिन नंबर। तो अगर कैनेडा में आपके पास सिन नंबर तो आपके पास सब कुछ है। सिन नंबर इज़ लाइक आधार कार्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सिन नंबर में आपके मतलब जो भी समझो एक हिस्ट्री है बैंक अकाउंट में सिन नंबर होता है अपना, जो भी ट्रांजेक्शन जो भी वर्क आप करते हो वो लीगली तो सिन नंबर पे अपना रिकॉर्ड होता है, जो भी अपनी हिस्ट्री है वो कितने आवर्स काम करते हो जो भी होता है वो। सो सिन नंबर में भी यही अभी सीन चल रहा है। अगर आप अपॉइंटमेंट लो मतलब अपॉइंटमेंट के लिए मेल करोगे तो कई बार तो उन लोगों का रिप्लाई नहीं आएगा, मेरे को भी नहीं आया था। तो अपॉइंटमेंट भी मिलती तो आपको 15, 12, 10 दिन के बाद मिलती है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर दो सिन नंबर के लिए, क्योंकि आप जब ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो परफेक्टली विद इन 10 to 12 days आ जाता है। मेरा भी 11th day या 12th day को आ गया था और मेरी फ्रेंड का भी 10th या 12th day को आ गया था। सो क्या होता है कि कई बार वो लोग अपॉइंटमेंट देने के लिए या फिर रिप्लाई नहीं करते या फिर देते तो बहुत लेट देते और अपॉइंटमेंट के बिना अंदर अंदर वो लोग घुसने नहीं देते, आपको मतलब रिक्वेस्ट करनी पड़ती है या फिर कुछ ना कुछ झूठ बोलना पड़ता है। बट लाइक थोड़ा सेंसिबल बनो, थोड़ा अपने भी ऑनेस्ट रहो कि ऐसे ना हो, क्योंकि वो लोग भी सेफ्टी देखते हैं हमारी उन लोग की और जो भी सिटीजन्स है कैनेडा में उन लोग की। सो खाली खाली उधर अपॉइंटमेंट लिए बिना ऑफिस पे पहुंच मत जाना, क्योंकि उन लोग के पास पूरा लिस्ट होता है अपॉइंटमेंट का कि कौन से इंसान की कितने बजे अपॉइंटमेंट है। सो मैं यही सजेस्ट करूँ कि ऑनलाइन आप क्वारंटीन के टाइम पे कर दो अप्लाई। मैं लिंक वैसा होगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहाँ पे आपको फॉर्म भरना होता है, जनरली कुछ करना नहीं होता है, और 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, एक पासपोर्ट, स्टडी परमिट और तीसरा डॉक्यूमेंट चाहिए एड्रेस प्रूफ। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि क्या होता है मतलब क्या वो लोग लाइक व्हाट दे नीड इन एड्रेस प्रूफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मतलब मेरा भी सीन यही सेम सीन था, मुझे बहुत कन्फ्यूजन था, मुझे लगा कि मेरे नाम का एड्रेस प्रूफ चाहिए बट ऐसा नहीं होता। तो मैंने स्पेशल मेरे नाम की लीज बनवा ली एड्रेस प्रूफ के लिए, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपका कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड्स जो है कोई रह रहे यहाँ पे और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, बैंक स्टेटमेंट है या फिर मतलब कोई फ्रेंड आपका कॉलेज में, सो कॉलेज का आईडी कार्ड होगा जिस पे एड्रेस होगा, लाइसेंस हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, कुछ भी हो गया जिस पे एड्रेस हो और वो प्रेजेंट एड्रेस पर रह रहा है, सो आप वो भी डाल सकते हो। तो वो एड्रेस पे आपका सिन नंबर मेल होगा मतलब डिलीवर होगा विद इन 10 to 12 days। तो क्योंकि सिन नंबर जॉब के लिए चाहिए, अगर आपको सिन पे जॉब करनी है तो ऑफ कोर्स सिन नंबर चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप लोग क्वारंटीन में हो और 3rd 4th day पे आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया तो समझो आप लोग बाहर आओगे तो 1-2 दिन में आपके पास आपका सिन नंबर होगा। और मेरे साथ मेरे पास आया था 15 दिन के बाद, तो मुझे 1 महीना वैसे ही मतलब बैठना पड़ा, 15 दिन क्वारंटीन और 15 दिन क्वारंटीन के बाद, तो मेरे वो 15 दिन वेस्ट हो गए। सो मैं नहीं चाहता आप लोग के भी वेस्ट हो, और जो भी मेरे फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड सर्कल में जो भी फ्रेंड्स जो भी आने वाले उन लोगों को मैं यही बोल रहा हूँ कि क्वारंटीन के टाइम पे आप कर दो ये 2 चीज़ें अप्लाई, तो आपका टाइम ना बिगड़े और जल्दी से जल्दी मतलब जॉब के लिए आप सर्च करो और जॉब मिल जाए आपको। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट, एंड इफ यू डिड देन मेक श्योर टू किल दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट, एंड इफ यू डिड देन मेक श्योर टू किल दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।